हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर शांति कुछ ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मनी। मनी में कैसे एडिशन किया जाता है। ओके, सबसे फर्स्ट देखिए आपको क्या करना है, रुपीस को रुपीस में ऐड करना है और पैसे को पैसे में ऐड करना है। तो रुपीस वाले हमने रुपीस के नीचे लिख दिया, पैसे वाले पैसे के नीचे लिख दिए। तो हमारे बच्चे पॉइंट के इधर वाले पैसे होते हैं, पॉइंट के इस साइड वाले रुपीज होते हैं। फिर हमने इस तरीके से लिख के इनको प्लस कर दिया। प्लस करना तो आप सभी को आता है। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज 11 सी। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रुपीस वाले रुपीस के नीचे इसमें लिखे हुए हैं और पैसे वाले पैसे के नीचे लिखे हुए हैं। तो आपको उनको सिंपल जैसे हम प्लस करते हो वैसे आपको इन्हें प्लस करना है। अब सब्ट्रैक्शन भी देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन में भी रुपीज वाले एक साथ होंगे और पैसे एक साथ होंगे। आपको ये याद रखना है कि पॉइंट के इस साइड वाले पैसे हैं और पॉइंट के इस साइड वाला रुपीज है। तो हमें जीरो को जीरो को प्लस किया, फाइव और वन को प्लस किया, फाइव और जीरो को प्लस किया, टू और वन को प्लस किया। ठीक है, ऐसे माइनस में कैरी वाले हैं ये। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है। अब नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। आपको मल्टीप्लाई करना है, पैसे में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखो दिया हुआ है, ये देखिए पहले तो कन्वर्ट इनटू पैसे, पहले तो आप इसे कन्वर्ट पैसे में करेंगे। 652 को पैसे में कन्वर्ट किया और हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो हमारा आ गया 6260 पैसे। पुट अ पॉइंट आफ्टर टू डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। राइट डिजिट की तरफ से आप दो नंबर लगा देंगे, दो नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 30 पॉइंट के इधर वाले पैसे और पॉइंट के साइड वाला रुपीज। तो यानी कि रुपीज 32.60। ओके, अब इसमें देखिए एक्सरसाइज, इसमें तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 6 को 5 से, 6 5 से कितना होता है 30, 6 वन से 6 प्लस 3 कर देंगे। इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, पहले तो आपको उनको इसको इस तरीके से लिखना है, उसके बाद आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो बच्चे दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।